हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं वो है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो अभी तक चार चैप्टर्स हम कर चुके हैं। ये फिफ्थ चैप्टर है क्लास सिक्स साइंस का, जिसमें सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर आर मेनी इंस्टेंसेस व्हेन वी नोटिस अ सब्सटेंस बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ मटीरियल्स। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस नाम से ही हमें समझ में आ रहा होगा, कई सारे सब्सटेंसेस के मिक्सचर से हमें उनको अलग अलग करना है, सेपरेट आउट करना है। टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर। ठीक है, चाय बनाते हैं घर में तो जो लीव्स होती हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द लिक्विड टी, उसको छलनी से छान के, स्ट्रेनर से उसको अलग करते हैं। ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स वाइल हार्वेस्टिंग। मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। ठीक है, ग्रेन को अलग करा जाता है और जब छाछ बनाते हैं, मिल्क और कर्ड इज चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। एज वी लर्न इन चैप्टर 3, वी किन कॉटन टू सेपरेट इट सीड फ्रॉम द फाइबर। कॉटन बॉल्स से जब हमने जो सीड्स को अलग करा था उसको गिनिंग बोला था प्रोसेस को। ठीक है, तो वो भी एक तरह से सेपरेशन हमने करा। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. सबने खाया होगा अपने घर में। If you found that if we had chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. तो ये बहुत लोगों की आदत होती है कि खाने में उन्हें कुछ नहीं पसंद आता है तो उसको अलग कर देते हैं। जैसे अगर चिली दिख रही है उसको अलग कर देते हैं। कई लोगों को टोमेटो नहीं पसंद आता तो उसको छाट छाट के अलग कर देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ है, वो भी एक सेपरेशन हो गया। सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग मैंगोज एंड गुआवास एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। तो ऑब्वियसली हम कर देंगे, एक बास्केट में अगर मैंगोज और गुआवास रखे हैं और उनको सेपरेट आउट करना है तो इजीली हम कर देंगे। तो कैसे सेपरेट आउट करेंगे? गुआवास को उठा के अलग तरफ रखेंगे और जो उसमें अल्टीमेटली जो बच जाएंगे पीछे वो मैंगो रह जाएंगे। ठीक है, seems easy, but what if materials we want to separate are much smaller than mango and guava? अब mango and guava को separate करना आसान है, ठीक है? But imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. तब क्या करेंगे हम? उसको कैसे separate out करेंगे? Impossible even to think of separating salt from this mixture by picking out grains of sand by hand. अब hand से तो नहीं हो सकता ही। कैसे करेंगे उसकी प्रोसेस? ठीक है, अगर मान लो हमें सॉल्ट और सैंड को हमें सेपरेट करना पड़ेगा तो अल्टीमेटली कैसे किया जाएगा उसको? उसको हम पानी में डिजोल्व करेंगे दोनों को। सॉल्ट पानी में डिजोल्व हो जाएगा बट सैंड नहीं होगा। ठीक है, तो फिर फिल्टर आउट कर लेंगे, सैंड अलग रह जाएगी और सॉल्टेड वाटर अलग हो जाएगा। अब सॉल्टेड वाटर में से सॉल्ट को सेपरेट आउट करने के लिए उसकी वेपराइजेशन कराई जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होगा उसका। अभी पहली पूछ रही है भाई, सेपरेट करना है क्यों है हमें? क्यों करना है भाई? तो इसके तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि भाई हमें, हमारे पास मिक्सचर है लेकिन हमें सब्सटेंसेस को अलग अलग यूज़ करना है, मिक्सचर के फॉर्म में हम नहीं यूज़ कर सकते उसको। ठीक है, सपोज सैंड और सॉल्ट ही था, सैंड और सॉल्ट इज ऑफ गुड ऑफ इट्स नो यूज। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्ट उसमें से यूज करना है तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा, उसे सॉर्टिंग करने के लिए भी हमें अलग अलग चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1 आर गिवन अ फ्यू प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज्ड इज मेंशनड इन कॉलम 2 एंड 3। However, this information given in column 2 and 3 is jumbled up. Can you match each? ये तो हमें यहाँ पे दे रखी है। Why do we separate substances? अब ये jumbled up information है तो उसे हमें ठीक करना है। तो separation process है, separate stone from rice. Rice में से stones भी निकालते हैं। तो इसका क्या रीज़न होगा? इज इट द रीज़न टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स? अब क्या राइस और स्टोन दोनों यूजफुल कंपोनेंट है? नहीं,
राइस यूजफुल है, स्टोन इज अनयूजफुल टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, ओके हो सकता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स है क्योंकि स्टोन जो है वो एक तरह से अगर हम खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा। अब व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स, तो यहाँ जो फर्स्ट का है वो सी ऑप्शन मैच होगा सेकेंड कॉलम में। व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कॉम्पोनेंट, उसको क्या करते हैं, वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट, वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज को फेंक देंगे, वी यूज बोथ द कॉम्पोनेंट्स। थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट। अब सॉलिड कॉम्पोनेंट यहाँ तो दोनों ही सॉलिड कॉम्पोनेंट है, तो सॉलिड वाला भी नहीं है, तो सेकेंड इसका आंसर लग रहा है मुझे सेकेंड थर्ड कॉलम में। चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, मिल्क को चर्न करके बटर निकालना, तो उसमें क्या होगा तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट। अब दोनों यूजफुल कॉम्पोनेंट है, मिल्क भी और बटर भी, तो बट हम उसको चर्न करके सेपरेट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट डू वी डू विद द सेपरेटेड कॉम्पोनेंट्स, वी यूज बोथ द कॉम्पोनेंट्स, दोनों कॉम्पोनेंट्स हम यूज करते हैं। सेपरेट टी लीव्स, थर्ड है सेपरेट टी लीव्स, तो इसका कौन सा ऑप्शन बचेगा फिर, टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, ओके नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि टी लीव्स उसके बाद नॉन यूजफुल ही हो जाती है, इट्स नॉट एन इम्प्योरिटी, हमने उसी से तो चाय बनाई है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन होगा सेकेंड कॉलम में, और थर्ड कॉलम में क्या होगा, वी थ्रो अवे द सॉलिड कॉम्पोनेंट, उसको फेंक देते हैं फिर। ठीक है, we see that before we use a substance we need to separate harmful or non useful substances that may be mixed with it. to jo question tha ki hame kyun separate out karna hai, to koi bhi substance use karne se pehle hame check karna padega ki bhai usme koi impurity ya koi harmful substance to nahi hai, usko pehle remove karenge tabhi us substance ko hum use kar payenge। Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately। ठीक है, तो हो सकता है एक मिक्सचर में दोनों जो कॉम्पोनेंट्स है वो यूजफुल हैं लेकिन हमें अलग अलग उनको यूज करना है, ठीक है, तो इस प्रोसेस के लिए भी सेपरेशन करते हैं। सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटीरियल्स, अब वो हो सकता है जिनके पार्टिकल साइज अलग है या फिर मटीरियल ही अलग है, दीज में भी सॉलिड्स लिक्विड्स और इवन गैसेस कैन बी मिक्स्ड, सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, मेथड्स ऑफ सेपरेशन, 5 या 6 मेथड्स ऑफ सेपरेशन दिए होंगे, तो हमें उनको पढ़ना है कि किस मेथड कैसा क्या मेथड है और कौन कौन से सब्सटेंस को उस मेथड को यूज करके सेपरेट करा जा सकता है। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर, यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स बीइंग यूज्ड इन डे बाय डे एक्टिविटीज, अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं काफी तो आपको पता भी हुआ है इन सब चीजों के बारे में। तो अब यहाँ एक्टिविटी सबसे पहला जो मेथड है वो है हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग नाम से समझ आ रहा है कि भाई हाथ से हमें अलग अलग करना है, एक सब्सटेंस उठा के इधर रखना है एक इधर रखना है, ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या करेंगे, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेस्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, ग्रेन का पैकेट लिया है, अब उन ग्रेन्स को क्या करेंगे हम, स्प्रेड द ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर, डिफाइन ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट, आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन, तो एक ग्रेन का पैकेट लेके आएंगे तो उसके अंदर स्टोन हो सकता है, ब्रोकन ग्रेन हो सकता है, पार्टिकल्स ऑफ अदर ग्रेन हो सकते हैं, तो उन सभी चीजों को हमें अलग अलग करना है, पीसेस ऑफ स्टोन निकालने हैं, हस्क निकालने हैं और अदर ग्रेन्स, तो इससे हम जब हाथ से उसको निकाल रहे हैं चीजों को, दैट इज हैंड पिकिंग। दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग कैन बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर
साइज्ड इम्प्योरिटीज लाइक द पीसेज ऑफ डर्ट. तो यहाँ पे इसकी जो प्री रिक्विजिट है फॉर दिस मेथड ऑफ हैंड पिकिंग वो यही है कि जो चीज़ें हमें अलग अलग होना चाहिए उनका साइज जो है थोड़ा सा ठीक ठाक हो, वो दिख ताकि हम उसको इजिली रिमूव कर पाए. कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्ज साइज इम्प्योरिटीज लाइक द पीस ऑफ डर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम वीट राइस और पल्सेस. द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज इज नॉट वेरी लार्ज. इन सच सिचुएशंस वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज अ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस. तो जब जो क्वांटिटी है जो इम्प्योरिटीज की ज़्यादा नहीं है थोड़ी सी है तो वहाँ पे हम हैंड पिकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट हो गया हैंड पिकिंग. नाउ कम्स थ्रेशिंग. यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ वीट और पैडी स्टॉक्स लाइंग इन द फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप. स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. ठीक है, तो स्टॉक्स जो है दे आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम. ईच स्टॉक हैज मैनी ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट. इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक. अब जब फसल जब हार्वेस्ट होती है वीट या पैडी की तो बहुत सारे नंबर है वहाँ पे. नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑफ सीड्स. ठीक है, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टॉक्स. तो वहाँ पे कैसे अलग अलग उनको जो सीड्स को कैसे वहाँ पे सेपरेट किया जाएगा फ्रॉम द स्टॉक्स. वन मे प्लक मैंगोज और गुआवास फ्रॉम द ट्रीज बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल. हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स. ठीक है, तो यहाँ पे थ्रेशिंग यूज करते हैं. इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बिटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स. समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बलक्स. मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ ग्रेन. तो पहले पुराने जमाने में जब कोई मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं होती थी तो लोग हाथ से करते थे या फिर बलक्स को यूज करके उनके ऊपर तब वो अलग अलग किए जाते थे. बट आजकल तो थ्रेशिंग मशीन्स हैं, कंबाइन्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मशीन्स के थ्रू ही होते हैं. ठीक है, तो थ्रेशिंग बहुत कम यूज़ होती है एक तरह से. बेसिकली मतलब जो मैनुअल जो करी जाती है इट्स मोस्टली डन बाय द मशीन्स नाउअडेज. तो फर्स्ट हो गया हैंड पिकिंग, सेकंड इज थ्रेशिंग, थर्ड इज विनोइंग. अब विनोइंग में एक्टिविटी इन्होंने दे दी है. विनोइंग क्या है? मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉडस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स. कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर. लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली. कैन द टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बी मेड आउट इजिली. आर द साइजेस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ दिस कॉम्पोनेंट सिमिलर. वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कॉम्पोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग. क्या हैंड पिकिंग के थ्रू हम कर सकते हैं सेपरेट इसको? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. आप एक रेस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जैसे यहाँ पे दिखा रखा है इसमें, पिक्चर में भी हमें दिखा रखा है. इस तरह से जाके खड़े हो जाएंगे बाहर. पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर. होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट टिल इट Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happens to both the components sand and sawdust fall at the same place? No. Is there a component that blows away? जो lighter component होगा वो blow away हो जाएगा और थोड़ा सा दूर जाके गिरेगा, और जो heavier component है वो वहीं सीधा सीधा उसी line में गिर जाएगा. This method of separating components of a mixture is called winnowing. ठीक है, तो अब विनोइंग का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि विनोइंग सिर्फ उन
मिक्सचर्स के लिए यूज हो सकती है, जहाँ पे एक कंपोनेंट हैवियर है और दूसरा लाइटर है, ताकि जो लाइटर वाला है वो हवा के साथ उड़ के दूर चला जाएगा और हैवियर वाला वहीं के वहीं गिर जाएगा, ठीक है। और दूसरा कंपोनेंट है कि भाई हवा भी उस टाइम चल रही होनी चाहिए, तो अगर नेचुरली ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही तो लोग ब्लोअर्स का भी इस्तेमाल करते हैं इस प्रोसेस को करने के लिए। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। तो लाइटर हस्क पार्टिकल्स को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए इस मेथड को यूजली जो है यूज किया जाता है। द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड, द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म ऑफ विनोइंग। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मैनी पर्पजेस सच एज फोडर फॉर कैटल्स। तो ये हो गया, जो हस्क है वो भी फोडर एज अ फोडर यूज होती है फॉर कैटल्स। तो नेक्स्ट हमारा आता है आफ्टर विनोइंग सीविंग। सीविंग सभी पता है मतलब, इसको हम अगर सिंपल भाषा में हम बोलें तो छान रहे हैं हम, उसको सीविंग कर रहे हैं। तो कभी घर पे अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दिया हो तो जो आटा बनाते हैं उसको पहले छलनी से छाना जाता है, चाय जब बन रही होती है उसको छलनी से छाना जाता है, ठीक है। समटाइम वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। बट डू वी डू वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इम्प्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव, ठीक है। इन फ्लोर मिल्स इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। तो यूजली अ बैग फुल ऑफ वीट इज पोर्ड ऑन अ स्लाइंटिंग सीव, द सीविंग रिमूव्स पीसेस ऑफ स्टोन स्टॉक एंड हस्क दैट मे स्टिल रिमेन विद द वीट आफ्टर थ्रेशिंग एंड विनोइंग। तो यहाँ पे जो सीव होगी ऑब्वियसली उसका जो सीव साइज है वो बड़ा होगा थोड़ा, जो हम यूज कर रहे हैं उसके लिए ग्रेन्स के लिए। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, ठीक है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी ये सीव यूज होती हैं, सीमेंट में से इम्प्योरिटीज को या पेबल्स को रिमूव करने के लिए। नाउ एक्टिविटी फोर, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम्स टू द क्लास। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ चाक पीसेस एंड मिक्स इट विद द फ्लावर। कैन यू सेपरेट द फ्लावर एंड द पाउडर चाक बाय सीविंग? नो, पाउडर अगर बना लिया है चॉक का तो फिर हम सीविंग के थ्रू उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। सीविंग इज यूज व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। तो जब अगर कंपोनेंट अगर पाउडर तो हो फ्लोर और पाउडर चॉक पाउडर, ठीक है, तो वहाँ पे साइजेस सेम सिमिलर ही होंगे, तो उस केस में सीविंग यूज नहीं हो सकती, डिफरेंट साइजेस होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब साइज जब अलग है तो सीविंग यूज कर रहे हैं, जब हमारे पास हैवियर और लाइटर वाला सीन था तो हम विनोइंग यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह से क्लासिफाई हम कर सकते हैं कि किस टाइम पे कौन सा मेथड यूज होगा। अब है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल देर में भी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और द पल्सेस। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग? राइस और पल्सेस आर यूजली वॉश्ड बिफोर कुकिंग। व्हेन यू एड वाटर टू दीज द इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट एंड सॉइल पार्टिकल्स गेट सेपरेटेड, क्योंकि वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगी, डस्ट भी और सॉइल भी अगर हुई उसके अंदर तो पानी में डिजोल्व हो जाएगी, और पानी जब हम रिमूव करेंगे तो साथ के साथ वो डस्ट भी रिमूव हो गई। These impurities go into water, which becomes a little muddy. Now, what will? Now, what will sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Bottom of the vessel में कौन जाएगा? Obviously, rice. Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water?
उसको थोड़ा टिल्ट करके जो डर्टी वाटर है उसको बाहर निकाल देते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर व्हाट इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर इज एडेड टू इट द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड डीकंटेशन। तो जब एक मिक्सचर में जो हैवियर कंपोनेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। जब व्हेन द वाटर अलोंग विद डस्ट इज रिमूव्ड उस वाटर को जब रिमूव किया जाता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकंटेशन। लेट अस फाइंड अ फ्यू अदर मिक्सचर्स दैट कैन बी सेपरेटेड थ्रू सेडिमेंटेशन एंड डीकंटेशन। द सेम प्रिंसिपल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture can be separated by this process. A mixture of such अब oil और water को अगर mix करेंगे तो वो dissolve तो होते नहीं आपस में, उनकी separate layer बन जाती है। तो separate layer में बन गई मतलब जो heavier है वो नीचे चली जाएगी और जो lighter layer है वो ऊपर आ जाएगी। तो ये process क्या है? जब heavier मटेरियल नीचे चला जाता है तो उसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। अब इन दोनों लेयर्स को जब हम रिमूव करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम? डीकंटेशन। लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉलिड एंड लिक्विड। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू विद टू रिमूव द टी लीव्स? ट्राई डीकंटेशन, इट हेल्प्स अ लिटिल बिट, बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी? ऑब्वियसली नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के थ्रू उसको हम करेंगे तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो सीविंग इज लाइक यूज्ड फॉर सॉलिड मटेरियल्स। तो वहाँ पे जब हम सॉलिड टू सॉलिड रिमूव करने के लिए एक सीव का यूज कर रहे हैं तो उसको सीविंग बोलते हैं, और जब लिक्विड और सॉलिड को अलग अलग कर रहे हैं तो वो फिल्ट्रेशन हो गई प्रोसेस। Which method of separating tea leaves from prepared tea is better, decantation or filtration? Obviously, filtration. Let us now consider the example of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from the ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can do some method of separation. तो muddy water के लिए वही करते हैं कि उसको थोड़ा देर settle down होने के लिए रखते हैं। तो जो उसकी mud है, particles है, sand, वो नीचे settle down हो जाते हैं और फिर ऊपर का जो water होगा pure, उसको हम decantation के method से निकाल सकते हैं। ठीक है, कलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड, ये एक्टिविटी है, ये भी कर सकते हैं आप घर पे। तो इसमें वही दिया होगा कि उसको फिल्टर कर दिया उन्होंने बेसिकली। ठीक है, द पोर्स इन अ क्लोथ कैन बी यूज्ड एज अ फिल्टर। द वाटर इज स्टिल मडी, इंप्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय अ फिल्टर दैट हैज इवन स्मॉलर पोर्स। A filter paper is one such filter that has very fine pores in it and shows the steps to ये filtration paper filter भी हम use कर सकते हैं। तो ये lab में हम सबसे कराया जाता है experiment। तो एक filter paper लेंगे, उसको हम cone में लगाएंगे, फिर उसके अंदर जो भी हमारा muddy water है वो डालेंगे, तो जो mud है वो ऊपर settle down हो जाएगी, नीचे हमें वाटर मिल जाएगा प्योर। फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ द पॉन्ड। मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज इन आवर होम्स। यू माइट हैव सीन दैट मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine filter. So, जब भी लिक्विड और सॉलिड को हम
अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं मोस्टली। नेक्स्ट आता है इवेपोरेशन। हीट अ बीकर कंटेनिंग सम वाटर, अलाउ द वाटर टू बॉइल। इफ यू कंटिन्यू हीटिंग, वुड द वाटर टर्न इन टू स्टीम एंड डिसअपियर कम्प्लीटली। नाउ एड टू स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टिर इट वेल। Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker? Heat the beaker containing the salt water. Let the water boil away. What is left in the beaker? तो salted water को जब heat करेंगे तो जो पानी है उसके vapors बन जाएंगे और पीछे जो क्या बच जाएगा हमारे पास, salt बच जाएगा। We use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into vapors is called evaporation. This process of evaporation takes place continuously wherever water is present. So, कहाँ जहाँ भी water होगा तो evaporation अपने आप थोड़ी थोड़ी होती रहती है, depending upon कितना temperature है और humidity कितनी है, तो उस हिसाब से evaporation की process हमेशा चलती रहती है। Where do you think salt comes from? Sea water contains many salts mixed in it. One of these salts is the common salt. And sea water is allowed to stand in When sea water is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. So, common salt is then obtained by from this mixture of salts by further purification. So, sea water को pits में छोड़ दिया जाता है ताकि जो water है वो evaporate हो जाए और पीछे जो salts बचते हैं फिर वहाँ से common salt को अलग करा जाता है। ये देखो ये यहाँ पे picture में दिखा भी रखा है। Use of more than one method of separation. अब हमने कितने method पढ़े हैं, hand picking हो गया, sieving हो गया, winnowing हो गया, threshing हो गया, उसके बाद filtration और sedimentation decantation हो गया, ठीक है। अब evaporation पढ़ लिया हमने, तो अब हो कई बार हो सकता है एक से ज़्यादा method use करें करने पड़े हमें, ठीक है। We have studied some methods for separation of substances from the mixtures. Often one method is not sufficient to separate the different substances present in the mixture. In such a situation, we need to use more than one of these methods. Okay. अब activity 7 क्या कह रही है हमें? Take a mixture of sand and salt, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि sand और salt को कैसे अलग-अलग किया जाएगा, तो मैंने आपको तब भी बताया था कैसे करना था। सैंड जो है सेटल डाउन हो जाएगी नीचे। सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, कोई भी मेथड यूज करके हम सैंड को अलग कर लेंगे। अब जो डिकेंटेड लिक्विड है उसके अंदर क्या है, सॉल्ट एंड वाटर। अब बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन हम सॉल्ट और वाटर को अलग करेंगे, ठीक है। तो इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, when the steam comes in contact with metal plate cooled with ice, it condenses and forms liquid water. The water drops that you observed falling from the plate were due to condensation of steam. तो जो steam को अगर ठंडी plate से वो strike करेगी तो instantly that will turn into what? Liquid water. Process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. Did you ever see water drops condense under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? किसी भी गर्म चीज को जब हम ढक के रखते हैं तो obviously जो भी जिस चीज से हम ढकेंगे उसको
जिस चीज से कवर करेंगे उसके नीचे हमें वाटर लिक्विड के फॉर्म में हमें मिलता है, क्योंकि वो वेपर्स जो भी उस बॉइल्ड चीज से निकलते हैं या उस गर्म चीज से जो वेपर्स निकल रहे होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं। ठीक है, पहली फिर से प्रॉब्लम, वी जस्ट सेपरेटेड सॉल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ओके, पहली फेज जो प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स विद सैंड, सी हैज अ मिक्स्ड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड, देन ट्राई टू मेथड सजेस्टिंग एक्टिविटी 7 टू रिकवर द सॉल्ट, सी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट। तो ऐसा क्यों हुआ? Can water dissolve any amount of a substance? We found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more these substances to a fixed quantity of water? अब देखिए ये concentrated solution एक तरह से हो गया। ये क्या कह रही है कि भाई उसने काफी सारा salt add कर दिया था और sand थोड़ी सी ली थी। तो जब उसने salt add करा था पानी में तो कितना उसके अंदर डिजोल्व हो पाया था, दैट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में एक अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बना ले तो एक अमाउंट निकलेगा कि उतना ही उसके अंदर डिजोल्व हो सकता है, उससे ज़्यादा जो भी हम करेंगे तो वो डिजोल्व नहीं होगा, वो हो सकता है उसका सैंड के साथ ही बाहर उसको चला गया हो। ठीक है, After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved? Okay, if yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we taken. Solution is now said to be saturated. Here is a hint as to what might have gone wrong when Paheli tried to recover. Large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. C could solve her problem by using a larger quantity of water. Suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before solution gets saturated? अगर हम liquid को थोड़ा heat कर दें, पानी को heat कर दें, तो थोड़ी और quantity हम इसमें डाल सकते हैं before it gets सैचुरेटेड। ठीक है, लेकिन वो कूल डाउन होने के बाद फिर से इट विल सेपरेट आउट। तो द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिजॉल्वड इन वाटर ऑन हीटिंग। दिस वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस। तो इसका तो अलग अलग होगा, सोल्युबिलिटी पर डिपेंड करेगा कौन सब्सटेंस कितना डिजॉल्व होता है पानी के अंदर। तो इसने एक्टिविटी करी है, अलग अलग सब्सटेंस को डिसॉल्व करा होगा पानी के अंदर, तो सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर लेंगे, उसके अंदर पहले सॉल्ट डाला सैचुरेशन के लिए, कितने स्पून सॉल्ट ऐड करा हमने। ठीक है, अब सेम एक्टिविटी में शुगर लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट सेम था या नहीं था। We have discussed a few methods of separating the, तो यहाँ पे mostly अलग अलग ही आएगा most likely आपका, क्योंकि हर एक substance की जो solubility है in water वो अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा है, we have discussed a few methods of separating substances. Some of the methods of separation presented in this chapter are also used in science laboratory. We also learned that a solution is separated by dissolving a substance in a liquid. Solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. तो keywords यहाँ पे क्या हैं? Churning, condensation क्या होती है, decantation क्या होता है, evaporation, filtration, hand picking, saturated solution, sedimentation, sieving solution, threshing, winnowing. ठीक है, summary में हम सब पढ़ चुके हैं कि ये जो अलग अलग तरीके हैं separation के वो पढ़े हैं हमने। एक्सरसाइज क्यों मिक्सचर्स को सेपरेट करना जरूरी है, टू एग्जांपल्स दीजिए। ठीक है भाई, कोई
हम पढ़ चुके हैं ऊपर की, यूज करने से पहले उसके अंदर कोई इम्प्योरिटी ना हो, कोई हार्मफुल सब्सटेंस ना हो, या फिर किसी मिक्सचर में दोनों यूजफुल सब्सटेंसेस हैं तो उनको अलग अलग यूज करके अगर हमें करना है तो भी हमें उसको सेपरेट करना पड़ेगा। विनोइंग क्या होती है, वेयर इट इज यूज, पढ़ चुके हैं हम। हैवियर और लाइटर पार्टिकल्स जब होते हैं तो उसके लिए विनोइंग करते हैं, कि जो लाइटर पार्टिकल्स है वो हवा के साथ दूर जाके गिरते हैं और हैवियर पार्टिकल्स कहीं के वहीं गिर जाते हैं। सीविंग क्या है, कब यूज होता है, सीविंग जो है तब यूज होता है जब सॉलिड सब्सटेंसेस ही हैं और साइज उनका अलग अलग है तो सीविंग यूज करते हैं हम। हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर, ये हम पढ़ चुके हैं। इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर, इफ यस हाउ विल यू डू इट। अब सोचिए जरा, शुगर को हमने व्हीट फ्लोर के साथ मिक्स करा है तो कैसे उसको, ये भी एक तरह से सिमिलर होगा हमारा जैसे सॉल्ट और सैंड के मिक्सचर को हमने करा था, ऐसे ही इसको पानी में डिजोल्व करेंगे। पानी में डिजोल्व करेंगे तो शुगर तो डिजोल्व हो जाएगी पर व्हीट फ्लोर तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, फिर उसको फिल्टर कर लेंगे तो हमारे पास व्हीट अलग से आ गया। बट नो, यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको कि पानी में डाल के, तो अगर व्हीट फ्लोर को पानी में डाल दिया तो वो तो कुछ और ही बन जाएगा ना उसका। तो व्हीट फ्लोर और शुगर अगर पाउडर में फॉर्म में नहीं है तो सीविंग से हम उनको सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि व्हीट फ्लोर हमारा पाउडर फॉर्म हो गया और शुगर थोड़ा सा मोटे अगर उसके दाने हैं तो सीविंग यहाँ पे यूज करेंगे और जो फ्लोर है वो नीचे चला जाएगा और शुगर ऊपर रह जाएगी। ठीक है, पानी वाला नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शुगर तो डिजोल्व हो जाएगी पानी में, लेकिन अगर व्हीट पानी में डाला तो भाई फिर तो कुछ नहीं मिलने वाला हमें, क्योंकि वो तो आटा बन जाता है ना पानी के साथ मिक्स होके। ठीक है, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम अ सैंपल ऑफ मडी वाटर, ये हम कर चुके हैं। उसको सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन या फिर फिल्टर करके कर सकते हैं। फिल अप द ब्लैंक्स, मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। एंड मिल्क कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू अ पीस ऑफ क्लोथ, द क्रीम लेफ्ट बिहाइंड प्रोसेस सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो जो क्रीम हम को अलग करते हैं तो यहाँ पे कौन सा मेथड हुआ एक तरह से, इस पोर्ड ऑन टू पीस ऑफ क्लोथ, सीविंग हुआ, सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड अप फ्रॉम सी वाटर, या फिल्ट्रेशन लगा लो, सीविंग लगा लो, लिक्विड को भी अलग कर रहे तो फिल्ट्रेशन बोल सकते हैं। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ, कौन सी प्रोसेस, इवेपोरेशन, इम्प्योरिटी सेटल्ड एट द बॉटम एंड मडी वाटर वॉज कैप्ट ओवर नाइट। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं, हम अभी भी पढ़ के हटे हैं। तो एक्सरसाइजेस सॉल्व करने के लिए कभी भी आप खुद आंसर ढूंढिए, आपके सारे आंसर आपकी बुक में दिए हुए हैं। नेवर एवर गो फॉर कि आपको आंसर्स लिखवाए जाए और तब आप उनको उनको याद रखो या कुछ करो, ऐसा कभी मत करना। आपने चैप्टर पढ़ा अच्छे से, उसके बाद आप खुद अपने क्वेश्चंस के आंसर ढूंढिए और उन्हें एक नोटबुक पे या कहीं पे भी लिख सकते हैं। बाद में आप टैली करने के लिए आपकी टीचर जो आपको आंसर्स करा रही है उसके साथ मतलब लिखना किस तरीके से है, वो चीज़ के लिए आप वो चीज़ नोट्स आपके या क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। बट पहले चैप्टर आपने पढ़ा, खुद आंसर्स आपको हमेशा, इट मेक इट अ हैबिट, जैसे ही आप क्वेश्चन अपना चैप्टर पढ़ के हटो तो उसके आंसर्स तभी के तभी वहां से फाइंड आउट करिए। ट्रू फॉल्स आप कर लोगे। लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर
यू विश टू ऐड आइस टू इट टू कूल इट. शुड शुड यू ऐड आइस टू द लेमनेट बिफोर और डिजॉल्विंग. तो इन दिस केस ऑब्वियसली देखो, अगर हम आइस पहले डाल देंगे पानी में तो शुगर कम डिजॉल्व होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था जैसे कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा मतलब हीट करने के बाद या टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा उसके अंदर सब्सटेंस डिजॉल्व होगा, शुगर या सॉल्ट. तो अगर हमें ज़्यादा शुगर डिजॉल्व करनी है तो और इजीली डिजॉल्व करनी है तो आइस बाद में डालिए. ओके, तो एक डेयरी जाके आप देख सकते हैं कि क्रीम निकालने के लिए मिल्क से क्या क्या जो है चीजें करनी पड़ती हैं. तो ये और भी कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज हैं जो कि प्रोजेक्ट सत्तर से लगा ली है. तो ये विनोर्स की फोटो यहाँ पे दे रखी है, कैसे ये विनोइंग कर रहे हैं. ठीक है फ्रेंड्स, हेल्प मी फिनिश द चैप्टर.